بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. معزز محترم بزرگو دوستو بھائیو بدگمانی یار غیبت اے چھوٹے نہیں بڑے گناہ نے انشاءاللہ تعالی इन्हां गुनावां तों किवें बच एक घर तों लैके एक खानदान तक एक खानदान तों लैके पूरे शहर तक पूरे शहर तों लेके पूरे मुल्क तक पूरे मुल्क तू लैके पूरी दुनिया दे अंदर बद अमनी फसाद दे शोले नजर आ रहे ने दाना लोग कहिंदे ने कि तीन चीजा नूं मामूली ना समझो बीमारी दुश्मनी के बीमारी थोड़ी भी होवे ओ ज्यादा होण दा खतरा है दुश्मनी थोड़ी होवे ओ भी ज्यादा होण दा अंदेश है
और अग थोड़ी भी होवे ते ओ ज्यादा होण दा खतर है। इन्हां तिन्हां चीजां नूं मामूली ना समझो। की मतलब? अग थोड़ी भी है ते ओनू बुझा दिओ, बीमारी थोड़ी भी है ते ओदा इलाज कराओ, अगर बीमारी थोड़ी है, बीमारी थोड़ी है ते ओदा भी सदे बाब करो। मेरे मुअज्जज़ सामीन, गल मैं अर्ज करना चाहना कि हर पासे फसाद और बद अमनी फैली है, एदा सदे बाब मुमकिन है। इस बद अमनी नू अमन दे अंदर बदलना मुमकिन है, इस तकलीफ नू राहत दे अंदर बदलना मुमकिन है, लेकिन शर्त ए वे के बंदा अपनी जिंदगी दीन दे उसूलां दे मुताबिक गुजारे। ए वेखो ना, हर जगह ते बदगुमानी दी फिजा है, मौलवी साहब ने उन्होंने गड्डी ले ली है, मुक्तदिया ने वेख के कहना है मौलवी ने गड्डी ले ली है, इन्हें कित्थों ले ली है, वे दी तनख्वाह भी थोड़ी है ते इहदे कोल इन्ने पैसे कित्थों आ गए, इन्हें कुछ ना कुछ किया है। ते जिहड़े इमाम साहब ने खतीब साहब ने उन्हां कोल एक बंदा जुमा पढ़न आया है सैकल ते, दूसरे जुमे आया गड्डी ते, ते मौलवी साहब ने आख्या है ऐ जिहड़ा बंदा है ना लगदा है कोई चरस दा काम करदा है या फीम वेचदा है या पाउडर वेचदा है। जदों ज़ेहन दे अंदर ए बदगुमानी वाला कीड़ा पैदा होया, जिहड़ियां नमाज़ां पढ़ियां सन वह भी गईयां, खिताबत दा असर भी ज़ायल हो गया, ते गुनाह अलग। हुण वेखो ना, जिहड़े मुक्तदी ने इमाम कोल कोई अच्छी चीज़ वेखण ते ए वी ते गुमान कर सकदे ने ना, यार हो सकदा है उहनां नूं किसे ने गिफ्ट दित्ती होवे, गुमान हो सकदा है ना, और इमाम अपने मुक्तदियां दे बारे गुमान कर सकदा है यार जिहड़ा बंदा गड्डी लैके आया, हो सकदा है इन्हें दो ट्रक चौलां दे डक्के होण, वो विके होण ते उह गड्डी ले ली होवे। ए मैं मिसाल पेश कीती है अच्छे गुमान दी और बुरे गुमान दी। अज वेखो मदारिस दे अंदर बैठण वाले मौलवी ओ एक बंदे नू ले लैंदे ने, कैफेटेरिया दे अंदर बैठण वाले सियासतदान ओ एक बंदे नू ले लैंदे ने, अड्डे ते बैठण वाले चंद ड्राइवर ओ एक बंदे नू मौजूए सुखन बना लैंदे ने, बाहर फट्टे ते बैठण वाले चंद दुकानदार एक बंदे नू मौजूए सुखन बना लैंदे ने, ते सारी गुफ्तगू ओदे खिलाफ करदे ने, 100% मनफी गुफ्तगू करदे ने, मुसबत नहीं। मेरे भाइयो, बदगुमानी ए छोटा गुनाह नहीं, ए बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद दे अंदर बदगुमानी तू मना फरमाया। इलाहुल आलमीन ने ऐलान फरमाया,
अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले ओ, ईमान वाले ओ, ओए काफिर लड़न ते पै लड़न, ए हिंदू आपस विच लड़दे ने ते पै लड़न, ए मुशरिक ते मजूसी आपस विच लड़ाइयां करदे ने ते करदे रहन, ओ ते काफिर ते मुशरिक जू होए, ईमान वाले ओ ए मैं गल तुआडे नाल करना चाहना, तुसी भी लड़ो ते मैनू चंगे नहीं जे लगदे, तुहाड़ियां घरां दे अंदर लड़ाइयां होण, तुहाड़े घरां दे अंदर बदअमनी दी फिजा होवे, तुहाड़ियां घरां दे अंदर फसाद दे शोले होण, ते मैं अल्लाह नूं चंगे नहीं लगदे, ए मैं अल्लाह ने तुहाड़े लई उसूल बयान फरमाए ने। अल्लाह ने किन्हां लई उसूल बयान फरमाए ने? ईमान वाले आले। आज ओ जड़े उसूल सन काफर ले रहे ने, ते असी बड़े मजे नाल कहिने कोई नहीं, फिर की होया हजरत जी? ओए उन्हां ने सब कुछ साडे कोलों ही लिया, उन्हां ने अखलाक ते सुनहरी उसूल साडे कोलों लै ले, असा उन्हां कोलों केबल ले ली, असा उन्हां कोलों उरियानी ते फहाशी ले ली। मुझे तहजीब हाजिर ने जो बख्शी है आजादी, मुझे तहजीब हाजिर ने जो बख्शी है आजादी, जाहिर में वो है आजादी, बातिन में गिरफ्तारी, जाहिर में वो है आजादी, बातिन में गिरफ्तारी। फरमाया ईमान वाले ओ, ए मैं सुनहरी उसूल तुहानू प्या दसना वा, या अल्लाह साडे लई की हुक्म है, गौर करना तवज्जो करना। अल्लाह ताला फरमांदे ने इजतानी बू कसीरम मिन जन, के बचो बहुत सारे गुमाना तू, बचो बहुत सारे गुमाना तू बचो, एवें बदगुमान ना होया करो। ओए किसे दी गड्डी वेख के बदगुमान होंदे हो, किसे दा अच्छा घर वेख के बदगुमान होंदे हो, किसे दा कारोबार वेख के बदगुमान होंदे हो, बदगुमानी नहीं करनी। इन्ना बाज़ ज़न्नी इस्मुन, क्योंकि बाज़ गुमान ते गुनाह हुंदे ने, बाज गुमान गुनाह हुंदे ने। ओए मियां एक हुंदे ने छोटे गुनाह, एक हुंदे ने वड्डे गुनाह, जेड़े छोटे गुनाह हुंदे ने बंदा मुसलमान दे नाल सलाम लवे अल्लाह दी रजा लई, अल्लाह माफ फरमा देंदे ने। बंदा नमाज पढ़े, अल्लाह छोटे गुनाह माफ कर देंदे ने। बंदे नूं तकलीफ ते मुसीबत पहुंचे, अल्लाह छोटे गुनाह माफ कर देंदे ने। बंदा वुजू दी नीयत नाल हत्थां नूं धोवे, अल्लाह हत्थां दे गुनाह माफ फरमा देंदे ने। बंदा कुली करे, अल्लाह जुबान दियां खतावां माफ फरमा देंदे ने। बंदा वुजू दी नीयत नाल चेहरे ते पानी पावे, अल्लाह पलकां दियां खतावां माफ फरमा देंदे ने। पर जेड़े वड्डे गुनाह हुंदे ने, फरमाया ओना लई तौबा करना जरूरी है, ओना लई
तौबा करना जरूरी है, बंदा तौबा नहीं करेगा ते ओ गुनाह माफ नहीं होंगे। मेरे मुअज्जज़ सामीन, किसे नाल बदगुमानी करना ए छोटा गुनाह नहीं, ए बड़ा गुनाह है। ए केड़ा गुनाह है? बड़ा गुनाह है। ओ यार, एदा जरा ख्याल करो, ए दुआ मंगदे, ए विखावण लई मंगदे, ए तहज्जुद पढ़दे, ए लोगां नू दिखाण लई पढ़दे, ए सदका करदे, ए रियाकारी करदे। एक बुजुर्ग फरमांदे ने, एक बंदा दुआ मांग रहा सी ते मैं उदे बारे गुमान किया कि ए दिखाण लई दुआ पिया मंगदे। इस बदगुमानी की वजह तू 6 महीने मैनू तहज्जुद की नमाज नसीब नहीं हुई। असी जरा सोचिए कि दिहाड़ी विच किन्नी असी बदगुमानी करने हैं। आज तू बाद तौबा करो के बदगुमानी नहीं करनी, किसी नाल बदगुमानी। जिदे नाल बदगुमानी कर रहे हैं ना, ओदा विगड़ना कुछ नहीं, तो बदगुमानी करन वाले दा रहना कख नहीं। या अल्लाह, असी बदगुमानी नहीं करांगे, वादा कर दे ओ भाई, बदगुमानी नहीं करांगे। अल्लाह ताला फिर फरमांदे ने के बदगुमानी भी ना करो, वाला तजस्सुसू और जसूसी भी ना करो, टो भी ना रखो। इसलिए की करदे ए फुलां टाइम की करदे, ओ तैनू की जरूरत है ओदे ऐब तलाश करन दी। जदों बंदे दी नजर होवे अपने ऐबां ते, दूसरियां दे ऐबां वल वेखण दा टाइम ही नहीं मिलदा। बहादुर शाह जफर मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना कि जब अपनी बुराइयों से थे बेखबर तो ढूंढते रहे, ढूंढते रहे औरों के ऐबो हुनर, और जब अपनी बुराइयों पे पड़ी नजर, जब अपनी बुराइयों पे पड़ी नजर तो दूसरों में कोई ऐब न रहा। तो इंज लग्या कि किसे दे अंदर ऐब ही नहीं। अल्लाह ने दो अखां दितियां ने, एक अख नाल बंदा दूसरियां दियां अच्छाइयां वेखे, दूजी अख नाल अपनियां बुराइयां वेखे। जेड़ा बंदा ऐब तलाश करदे ते जलील करन दी कोशिश करदे, हदीसे मुबारका दे अंदर आउंदे, जेड़ा बंदा ऐब तलाश करदे दूसरियां दे, क्यामत वाले दिन अल्लाह पाक ओदे भी ऐबां ते पर्दा नहीं पाएगा, ओदियां ऐबां नू अल्लाह जाहिर कर देगा दुनिया दे अंदर भी ते आखरत दे अंदर भी। ते जेड़ा बंदा दूसरियां दे ऐबां ते पर्दा पांदे, अल्लाह ताला आखरत नू ओदियां ऐबां ते पर्दा पाएगा। अल्लाह ताला नू गैरत आउंदी है ना। अल्लाह ताला फरमांदे ने भई तू बंदा हो के पर्दा पिया पाना, तू ते अब्दुल सतार है, मैं ते सत्तार हाँ, मैं ते सत्तार हाँ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੋਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੋਹ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੂ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਲਾ ਤਜੱਸਸੂ ਵਲਾ ਤਹੱਸਸੂ ਔ ਕਮਾ ਕਾਲ, ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੋਹ ਰੱਖੋ ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੋਹ ਰੱਖਣਾ, ਐਬ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸਾਮੀਨ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਵਲਾ ਯਗਤਬ ਬਾਜ਼ੁਕੁਮ ਬਾਜ਼ਾ। ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੋਹ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੀਬਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੀਬਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੀਬਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੀਬਤ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, ਉਹੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੀਬਤ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੀਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣਾ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੀਬਤ ਏ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਐਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੀਬਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬੋਹਤਾਨ ਏ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਕਾ ਜਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਉੱਠ ਕੇ ਗਈ ਏ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਐਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਗੀਬਤ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਗੀਬਤ ਆਕਾ ਜਾਨ ਇਹ ਗੀਬਤ ਏ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੀਬਤ ਏ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਬੋਹਤਾਨ ਬਣਦਾ। ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੂ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲ ਗੀਬਤੁ ਅਸ਼ੱਦੁ ਮਿਨ ਜ਼ਿਨਾ, ਕਿ ਗੀਬਤ ਜ਼ਿਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੀਬਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਗੀਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸਾਮੀਨ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੀਬਤ ਕਰਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ, ਜਿਹਦੀ ਗੀਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੀਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੀਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਗੀਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੀਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮਿਠਿਆਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਬਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਕਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਿਆਈ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਬੂ ਹਨੀਫ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਲੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਟੈਸੀ ਬੜੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ते इमाम साहब खामोशी दे नाल जा रहे ने, ते जदों आप दा घर आया ना ते फरमाया कि मैं उन अंदर टुर जावा या कोई कसर है, इन्नी बात फरमा के आप घर चले गए। वो बंदा उत्थे ही सोचदा रहा, चीख मारी ते मर गया। इमाम साहब बाहर तशरीफ लिया वेख्या ते मरिया पिया, ते फरमाया अबू हनीफा तेरे सबर दा अजर है। मेरे मुअज्जज़ सामीन, गीबत करन वाला बहुत बड़ा गुनाह कर दे। आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुहानू दसा के लोगां दे विचों सब तू बत्तर कौन है। गौर करना, तवज्जो करना। अरज कीती आप दे यारा ने के जी फरमाओ कौन है लोगां दे विचू सब नालू बुरा, ते फरमाया ओ ए के जेड़ा दो मुआं वाले, दो मुआं वाले इधर जांदे ते ओदा बन जांदे, ओदे खिलाफ गल्लां करदे, जे ओदे कोल जांदे ते एदे खिलाफ गल्लां करदे, उन्हां नूं आपस दे अंदर लड़ांदे, ए लोगां दे विचों सब तू बुरा है। मेरे मुअज्जज़ सामीन, कुछ बंदे इंज दे हुंदे ने के जेड़े गीबतां करदे ने, और कुछ इंज दे हुंदे ने के जेड़े गीबतां सुनदे ने, मजे लैंदे ने, कन्ना दे चस्के पूरे करदे ने गीबतां सुन के, ते कुछ इंज दे हुंदे ने के जेड़े गीबतां करके टुकर खांदे ने। गीबतां करके तवज्जो है, इधर मेरे अल वेख्या करो। कुछ ते इंज दे होए ना के जी वो फुलां बंदा इंज दे, अच्छा ठीक है, सुनन वाला सुनन दे चस्के ले रहे है। और तीसरा तबका है कि जेड़ा टुकर खाण लई, ओ चोरी साहब जरा आओ इत्थे बहो ना, इत्थे बहो, हाँ जी बह गए, ओ ना मैं फुलां बंदे दा पता करा लिया, उदा ते कोई नहीं हाल, अच्छा तो अंदर बह बह फिर ठीक है। ओ चाह ले आई, उधरों चाह आ रही है, उन्हें एक और छड़ दी, और नाल भी कोई शायद फड़ ले आई, अच्छा होर उदे बारे तू की सुने। ये होंगे ने कि जेड़े लोगों दियाँ गीबतां करके ते टुकर खाने वाले, रोटियां पाड़न वाले। मैनू तुसी आप ईमानदारी नाल दसो, मैं अपने गिरेबान में झांक के वेखा, तुसी अपने गिरेबान में झांक के वेखो, क्या ये साडे मुआशरे के अंदर तीनों तबके मौजूद है ने या नहीं? और माशाला औरतां उन्हां दी ते फिर गल ही अलग है, सा सस नौ ते फिर उन्हां दी गल ही अलग है। मेरे मुअज्जज़ सामीन, आका अलैहि सलातु वस्सलाम जदों अरशां ते गए, जे सुबहान अल्लाह कवो ते मैं गल करां, आका अलैहि सलातु वस्सलाम अरशां ते गए ते जिबरील ने चुम के जगाया। हुण टुरदिआं होइआं इक शेर आ गया ज़हन विच, ते जरा पढ़ के अगे बढ़ना। आका तेरे आने से रंग बदला जमाने का, आका तेरे आने से रंग बदला जमाने का, हैबत से गिरा तेरी, हैबत से गिरा तेरी, हर बुत बुत खाने का, हैबत से गिरा तेरी, हर बुत बुत खाने का, महबूब ना गम करना महशर में तू उम्मत का,
महबूब ना गम करना, महशर में तू उम्मत का महशर तो बहाना है तेरी शान दिखाने का, महशर तो बहाना है तेरी शान दिखाने का। और अल्लाह ताला ने जिब्रील से फरमाया चूम ले तलियों को, चूम ले तलियों को तू कफूरी होंठों से। खुद रब ने सिखाया है, खुद रब ने सिखाया है अंदाज जगाने का, खुद रब ने सिखाया है अंदाज जगाने का। मेरे मुअज्जज़ सामीन आका अलैहि सलातु वस्सलाम अरशां ते गए ते ऐसे लोगां नू वेखिया, ऐसियां औरतां ते ऐसे मर्दां नू वेखिया के जिन्ना दे नाखून तांबे देने और ओ अपने बदन नू छील रहे ने, अपने चेहरे नू छिल रहे ने, अपने अज़ा नू छिल रहे ने, ते कुछ लोगां नू वेखिया के फरिश्ते उन्ना दे बदन दा गोश्त कट के ते उन्ना नू खिला रहे ने, पेश कर रहे ने, ते आपने फरमाया ए कौन बदबख्त लोग ने, ते हजरत जिब्रीले अमीन अर्ज कर देने मेरे आ सोने आ ए ओ बदबख्त लोग ने के जेड़े गीबता कर दे सन, जेड़े चुगलियां कर दे सन, लोगा नू आपस दे अंदर लड़ान दे सन। मेरे मुअज्जज़ सामीन आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कत्तात, के चुगल खोर जन्नत विच दाखिल नहीं होएगा। इधले दी गल सुनी उधर जाके दसी और मियां बीवी इन्हां नू आपस विच लड़ाया कि इन्हां दे अंदर फोट पैदा होवे। मेरे मुअज्जज़ सामीन ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ये भी याद रखो जिवें गीबत करना गुनाह है ना, एवें गीबत सुनना भी गुनाह है। तुहाडे नाल कोई गल करे ना और यार वो फलां बंदा ते इंज दे, ते तुसी अगू आख्या करो यार मेरे हाँ ते वो चंगा है, ते मेरे सामने ना वो दी गल ना कर, वो दे खिलाफ गल। हुण वेखो तुसी गुनाह तू भी बच गए, जेड़ा करन वाला है वह भी बुरा, जिदी हो रही है वह भी बुरा, ते तुहानू मुफ्त दा सवाब मिल गया। और जदों उन्हूं पता चलिया ना कि यार फुलां बंदे ने फुलां बंदे दे सामने बदखोई की ते उन्हें अगू ए गल की, आप सोचो कि ओदा सीना किदे वलू ठंडा हो। और उलमा फरमांदे ने कि जदों तुहाडे सामने कोई किसे दी गीबत करे ना ते तुसी ओदी एक अच्छाई बयान कर दिओ तुहानू गुनाह नहीं मिलेगा। तुसी इन्ना ही कह दिओ यार वो बंदा तो अच्छा है, इन्ना ही कह दिओ, तुहानू गीबत सुनन दा गुनाह नहीं मिलेगा। नहीं तो गुनाह बड़ा जिवें गीबत करन वाला गुनाहगार है, एवें गीबत सुनन वाला सुनन वाला भी गुनाहगार। और गीबत तू बंदा इंज ही डरे जिवें बंदा शेर तू डरदा है। शेर तू इसलिए डरदा है ना भी ये मेरे गले पै जाएगा, ते गीबत भी ना करे डरे कि जिदी मैं गीबत करांगा वो क्यामत वाले दिन मेरे गले पै जाएगा। उस ते आखना है चल बई मेरी गीबत कीती सी, आज लिया नेकियां ते मेरे गुनाह लै, ते फिर उत्थे की बनेगा। मेरे मुअज्जज़ सामीन गौर करना अल्लाह दा कुरान ऐलान कर दे अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतल फकरहत
तुम जिमें तुसी अपने मुर्दा भाई दा गोश्त खाना ना पसंद कर दे ओ, एवें अपने मुसलमान भाई दी गीबत करना भी ना पसंद करया करो। जिमें इंसान दा गोश्त फिर इंसान नहीं, भाई दा गोश्त फिर भाई जिंदा नहीं मुर्दा दा गोश्त, जिमें ए तुसी खाना ना पसंद कर दे ओ ना, ते एवें अपने भाई दी गीबत करना भी ना पसंद कीती करो, ए ना पसंद करया करो। एक बुजुर्ग उन्हां नू ख्वाब दे अंदर फरिश्ता नज़र आया, एक बर्तन दे अंदर उन्हें गोश्त दा लोथड़ा रखिया, तो कहिंदा खाओ। उन्हें आख्या भी मैं क्यों खावां, तो फरिश्ता कहिंदा दिने खादा नहीं जे, किवें फुलां दी गीबत फरमाया मैं कीती ते नहीं। तो फरिश्ते ने आख्या तुसी सुनी ते है। वो बुजुर्ग फरमांदे ने तकरीबन 40 दिन जदों मैं खाना खाण लगदा सी मैनू ओही बदबू आउंदी सी। ये छोटा गुनाह नहीं बड़ा गुनाह है, किसे दी गीबत करना टो रखना किसे ते बदगुमानी करना ए बहुत बड़े गुनाह ने, इन्ना तू बचन दा इलाज कीए, ते जरा गौर करना पूरी तवज्जो करना। उलमा ने फरमाया के इन्ना बीमारियां तू बचन लई 4 तरीके ने, कितने तरीके बोलो, 4 तरीके। फरमाया पहला नंबर फिकर ते तामुल नाल बोलो, सोच के बोलो के मैं अपनी जुबान तू की बोलन लगा वा, अपनी जुबान नाल अच्छा बोलो, किसे नू तकलीफ ना होवे, किसे दी गीबत ना होवे, चुगली ना होवे, पहले सोचो तोलो फिर बोलो। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्ला ने आप दे कोलों कोई सवाल करदा सी ना ते आप खामोश रहिंदे सन, बाद में जवाब देंदे सन। लोगों ने आखिया अल्लाह ने तुहानू इन्ना इलम दिता है तुसी चुप कर जांदे हो, कोई सवाल पुछदा है। आप फरमान लगे कि मैं खामोश हो जाना तो मैं सोचना कि मेरे बोलण विच बेहतरी है या ना बोलण विच बेहतर, मेरा खामोश रहना बेहतर है या बोलना बेहतर है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला नू भी अपनी जुबान नू मरोड़दे सन, इतनी बड़ी हस्ती हो गई कि जुबान दे अंदर हड्डी नहीं है, हड्डियां तुड़वा देंदी है, एक बोल दी वजह तू बंदा जहन्नम दे करीब पहुंच जांदा है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन दूसरा कम, पहला कम ते होया कि बंदा सोच के बोले, अच्छा बोले, और दूसरा काम बंदा आजजी करे, तवाजो करे, की करे। ये सारिया बीमारियां ना किबर की वजह तू पैदा होंदिया ने, तकबुर की वजह तू, ओ मैं फलां, ओ मैं फलां, ते बंदा आजजी और इनकिसारी करेगा ते अल्लाह ताला इन्हां बीमारियां तू बचण की तौफीक अता कर देगा। और बंदा दिल विच सोचे किसे दे बारे बुरा गुमान, ते उलमा लिख देने के तीसरा तरीका एवे के बंदा अल्लाह दा जिक्र करन लग पवे, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह दा जिक्र करे, ताकि ओदे दिमाग दे विचों ए बदगुमानी खत्म हो जाए। एदा ए तीसरा तरीका है, जदों किसे दे जेन विच आवे कोई बदगुमानी ते फौरन जेन नू हटा के अल्लाह दे जिक्र दी तरफ लगाए, अल्लाह दा जिक्र करना शुरू कर दे, एदी बरकत दे नाल ओ बदगुमानी गीबत और जसूसी ये बीमारियां अल्लाह दे फजल दे नाल खत्म हो जाएगियां। और मेरे मुअज्जज़ सामीन अज असी तौबा करिए कि ना किसे दी गीबत करांगे, ना किसे दी टो रखांगे और ना किसे नाल बदगुमानी करांगे। आका अली सलातु सलाम दे कोल तीन बंदे आए ना, ते एक अर्ज करदा
सारी दुनिया ही बुरी है, आपने फरमाया तू सच आख्या। दूसरा आया आका जान अद्धी दुनिया चंगी है अद्धी बुरी है, फरमाया तू भी सच आख्या। तीसरा आया जी सारी दुनिया ही चंगी है, आपने फरमाया तू भी सच आख्या। यार अर्ज करते ने आका जान तिना ने सच आख्या, फरमाया हां जेड़ा खुद सारा ही बुरा सी ना उन्हें आख्या सारी दुनिया ही बुरी, जेड़ा आप अद्धा चंगा ते अद्धा बुरा सी उन्हें आख्या भी अद्धी दुनिया चंगी है अद्धी बुरी है। ते जिन्हें आख्या कि सारी दुनिया चंगी है वह आप सारा ही चंगा है, वह आप दे ज़हन विच आउंदी है ना भी मैं तो इसलिए गुड्डी उड़ाई सी ते जेड़ा आया चढ़िया कोठे ते इहदा भी यही ज़हन। वह जिवें दी सोच अपनी होवे बंदा उवें दा गुमान करदा है। आप भी अच्छे बनो और गुमान भी अच्छा करो। ऐ मेरे परवरदिगार असी तौबा करने आ गीबत तू और चुगली तू बदगुमानी तू किसे दी टो रखण तू। अल्लाह फरमांदे ने गल सुनो एक गुनाह ना करो वत्ता कुल्ला और अल्लाह तू डर जाओ। अल्लाह तू कोई ऐसा बंदा है ना जेड़ा फौत हो गया है जिदी तुसी गीबत की, उलमा फरमांदे ने भई तुसी ओदे लई सदका करो कि या अल्लाह ऐ मैं सदका कर रहा कि एदा सवाब ओनू पहुंचे, ओदे लई दुआ करो, ओदे लई दुआ करोगे सदका करोगे ये जेड़ा गीबत वाला गुनाह तुहाडे कोल हो गया अल्लाह अपने फजल दे नाल माफ कर देगा। ते फरमाया अल्लाह दे कोल डर जाओ, या अल्लाह सी डर गया आइंदा ना किसे दी गीबत करांगे ना किसे दी चुगली करांगे ना किसे दी टो रखांगे ना किसे ते बदगुमानी करांगे। फरमाया इन्नल्लाह तवाबुर रहीम। अल्लाह ते तौबा कबूल करन वाले ते रहम करन वाले ने। मेरे मुअज्जज़ सामीन आइंदा जुमा इंशाल्लाह उनवान होएगा बेदीन लोग कौन ने, बेदीन लोग कौन ने, और आज इंशाल्लाह मगरिब